मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैंने माननीय बात जब जब यहां पर सदन चलते हैं हम लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि इस देश के अंदर जाति व्यवस्था है। जब आदमी पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी जाति लिखी जाती है और जाति के आधार पर मानवीय इस देश के अंदर सामाजिक अन्याय और न्याय भी होता है। लगातार भारत की 75 साल की आजादी के बाद ये बात समाजवादियों द्वारा भारत की संसद से लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा और विधान परिषद में बात कही जा रही है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने 1956 में इस बात को बहुत जोरदार से पूरे देश के अंदर उठाया था कि ये विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है और मनवर उसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जातिवाद जनगणना की बात 1950 के पहले उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उसके पहले 1941 में जातिवाद जनगणना हुई थी मनवर। 1941 के पहले 1931 में जातिवाद जनगणना हुई थी मनवर। उसके पहले भी लगातार जातिवाद जनगणना होती रही लेकिन दुर्भाग्य इस देश का भारत की आजादी के बाद जब जब इस देश में प्रदेश में जातिवाद जनगणना की बात आई और सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हैं मनवर उनको जातियों कमजोर लोगों को गरीब लोगों के बीच में वितरण करने पर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं आती है मनवर। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा से लेकर राज्यसभा और राज्यसभा से लेकर विधान परिषद विधानसभा में बात कही है और ये बात इस सदन के अंदर भी ये बात कही गई मनवर। हमारे देश के अंदर बहुत ही भयानक सामाजिक अन्याय हो रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर मनवर पिछड़े वर्गों के साथ सबसे ज्यादा हो रहा। पिछड़े वर्गों की 80 जातियां हैं मनवर, 80 जातियां हैं, सबसे बड़ी आबादी है पिछड़े वर्गों की मनवर और पिछड़े वर्गों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। बहुत दिनों के संघर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आरक्षण को लागू करने के लिए हुई। 27% का आरक्षण उत्तर प्रदेश के अंदर अनुमन्य हुआ लेकिन मानवीय दुर्भाग्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज वो 27% का आरक्षण भी हमारे हक को छीन रहा है। 27% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं दे रही। आज प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। पिछड़े वर्ग के लोग धरती से लेकर सदनों तक इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जात की जनगणना कर लो। भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी, मैं जानता हूं कि इस प्रदेश के अंदर हमारे तमाम ऐसे नेता जो कहने को तो पिछड़े हैं लेकिन जब पिछड़े वर्गों के हकों के साथ हकतलफी होती है तो बात न मुख्यमंत्री न माननीय प्रधानमंत्री के सामने कह पाते हैं, वह जनता के बीच में कहते हैं कि हम आपके हकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे मानवा। और देश के बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता दर्जनों वर्षों पहले से कहते चले आए हैं कि हम जातिवाद जनगणना कराएंगे लेकिन मानवर आज 9 साल पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की हुकूमत में और 7वां साल चलने जा रहा है उत्तर प्रदेश में लेकिन जातिवाद जनगणना नहीं कराई जा रही है। हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है मानवर। अभी 2021 में जाति जनगणना और देश के अंदर जनगणना की बात हुई लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों की जनगणना नहीं करा रही, जानबूझकर नहीं करा रही है क्योंकि पिछड़े वर्गों की उन्नति न हो मानवर। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता हैं, सब स्वीकार करते हैं। यहां बैठे हुए जो नेता है वो भी स्वीकार करते हैं कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। तो जब ये स्वीकार करते हो कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए तो 2021 में जो एनपीआर का फार्म आया उस फार्म के अंदर आपने देखा होगा, मैंने ये बात पिछली बार भी कही थी, उस फार्म के अंदर आपको जाति का कालम है लेकिन आप अनुसूचित जाति की जात का तो कालम है लेकिन पिछड़ी जात का कालम नहीं है। मैंने इस बात को हम बलपूर्वक कहते हैं कि उस पर पिछड़ी जात का कालम बनाया जाए और जब जनगणना कराते हैं जितना धन आपका जनगणना करने में लगता है उससे 1 पैसा भी ज्यादा जातिवाद जनगणना करने में नहीं लगा। तो जो आपस में ये लड़ा करके इस देश के अंदर गद्दी पर कब्जा किए बैठे हैं, प्रदेश की गद्दी पर कब्जा किए बैठे हैं,
हो सकता है लोगों का भ्रम दूर हो जाए। तमाम जातियों पर भ्रम पैदा किया जाता है कि आपको ये जाति, आपकी वो जाति, आपका ये खा गए, आपका वो खा गए। मेहनत कसकों के बीच में मानवर जिस तरीके से असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी पैदा करती जा रही है, हमारी मांग है मानवर कि इस प्रदेश के अंदर जातिवाद जनगणना कराई जाए। देश के विभिन्न राज्यों में जातिवाद जनगणना मानवर हो रही है और इस प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसी प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री, यहीं से बहुमत और उसके बाद भी सबसे ज्यादा बहुमत पिछड़े वर्गों का, और पिछड़े वर्गों का बहुमत होने के बाद भी उनके हकों पर हकतल्फी की जा रही है। मगर आज सरकारी तमाम सुविधाएं आती हैं, उनको बांटने में तमाम तरीके की अनियमितताएं होती है, वो अनियमितताएं न हो इसलिए समाजवादी पार्टी शुरू से लेकर अब तक मांग करती आई है कि जातिवाद जनगणना न हो, जातिवाद जनगणना हो, और जातिवाद जनगणना हो उसके साथ जिसकी जितनी आबादी हो उसको उसके अनुरूप, उसके अनुपात में उसको उसका हक मिलना चाहिए। इस बात को लेकर हमने आपके सामने ये नोटिस लगाई है और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सरकार को निर्देश दें कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों की जातवार जनगणना कराए ताकि वो कोई किसी का हकतल्फी न कर सके। मानवर ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी समस्या है। ये धरती में काम करने वाले लोग, खेती में काम करने वाले लोग, कुटीर उद्योग करने वाले लोग और जानवर को पालने वाले लोग सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग, और उन्हीं पिछड़े वर्गों की कमाई आज देश के काम आ रही है, आज देश के काम आ रही है। मानवर